हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, कुछ आपके कमेंट मुझे मिले जिसमें ये लिखा कि सर हमें क्लास ट्वेल्थ की सोशियोलॉजी करा दो, सर क्लास ट्वेल्थ की सोशियोलॉजी को अच्छे से एक्सप्लेन करवा दो, चैप्टर करवा दो, सर चैप्टर नंबर 6 करवा दो, चैप्टर नंबर 2 करवा दो। इस तरीके के कमेंट जब मैंने पढ़े तो मुझे भी लगा कि जी हाँ, मुझे क्लास ट्वेल्थ की सोशियोलॉजी की एक न्यू सीरीज़ लानी चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स को क्लास ट्वेल्थ की सोशियोलॉजी समझ में आने लग जाए। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसंख्यांकीय संरचना। तो भारतीय समाज की जनसंख्यांकीय संरचना, ये अगर हम एनसीईआरटी बुक से बात करें तो ये हमारा एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 2 है, और अकॉर्डिंग टू अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या होती है भारतीय समाज की जनसंख्यांकीय संरचना, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे, साथ के साथ जनसंख्यांकीय क्या होती है और जनसंख्यांकीय से जुड़े हुए अन्य पहलुओं को भी हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। मैं कहूं कि ओवरऑल पूरा चैप्टर मैं कवर करवाने वाला हूं एक ही वीडियो के अंदर, और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है, कहीं और समझने की जरूरत ही नहीं है, आपको सारे कंसेप्ट इसके समझ में आने लग जाएंगे। तो दोस्त, अगर आप इस चैप्टर की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो बस यही कहूंगा कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को दोस्त, सोशियोलॉजी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है, तब जाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस, ऐसे बहुत सारे लेक्चर अलग अलग सब्जेक्ट के, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो या कोई टॉपिक हो, उनके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर देखकर, एक वीडियोस बनाकर, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस को ग्रेन कर तब मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे ही नहीं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो वाकई आपको बहुत अच्छी नॉलेज देगी। और क्लास ट्वेल्थ की सोशियोलॉजी में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि हमको समझना बेहद ज़रूरी है, जिसको आज हम चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत से ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेरा नाम हरिओम माथुर, स्वागत है आपका कंप्लीट स्टडी क्लासेस में। दोस्त, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि जितनी भी हमारी न्यू अपकमिंग वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप एक वीडियो मिस ना कर पाएं। सो विदाउट टाइम वेस्ट करें, सीधे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम जान लेते हैं कि आखिर जनसंख्यांकिकी का मतलब क्या होता है, जनसंख्यांकिकी क्या होती है। तो जनसंख्यांकिकी को जानने के लिए सबसे पहले जो इसका प्रोसेस होता है, किसी भी हम शब्द को, किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको समझने का सबसे अच्छा फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले उस शब्द का अर्थ, उस शब्द की मीनिंग जान लेंगे, उसके बाद उस शब्द को हम परिभाषित करेंगे या उस शब्द को हम डिफाइन करेंगे। तो हमारा शब्द है जनसंख्यांकिकी। अब देखिए, जन का मतलब होता है लोग, पीपल्स, और संख्यांकिकी का मतलब होता है किसी चीज़ को गिनना या किसी चीज़ को डिफाइन करना। संख्यांकिकी जो कि एक गणित का एक शब्द है, संख्यांकिकी, वर्गीकृत करना किसी चीज़ को, डिफाइन करना, क्लासिफाई करना किसी चीज़ को, वो कहलाता है जनसंख्यांकिकी। अर्थात अगर हमें कहें कि लोगों का क्लासिफाई करना किसी भी बेस पर, किसी भी पॉइंट को लेकर, तो जनसंख्यांकिकी अर्थात होता है जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन करना। जनसंख्या, किसी भी देश की जनसंख्या जो होती है, जो क्राउड होती है, जो लोग होते हैं, जो पीपल्स होते हैं किसी देश के, उसका सुव्यवस्थित अध्ययन करना। सुव्यवस्थित का मतलब होता है सिस्टमैटिक तरीके से उनके बारे में जानना, उनके बारे में स्टडी करना, ये कहलाती है जनसंख्यांकिकी। अब जनसंख्यांकिकी को इंग्लिश में कहते हैं डेमोग्राफी। जनसंख्यांकिकी को इंग्लिश में कहते हैं डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी जो है ये एक यूनानी भाषा का शब्द है, डेमोग्राफी, जो कि दो शब्दों से बना है। अगर हम डेमोग्राफी को तोड़ें तो दो शब्दों से बना है, डेमोस प्लस ग्राफिन। डेमोग्राफी जो शब्द है वो यूनानी भाषा का एक शब्द है, और वो यूनानी भाषा के ही दो शब्दों से मिलकर बना है इंग्लिश भाषा में डेमोग्राफी। तो अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो वो बन जाएगा डेमोस प्लस ग्राफिन। अब यहाँ पे डेमोस का मतलब होता है लोग या जन, इसे हम कहते हैं, और ग्राफिन का मतलब होता है वर्णन करना, एक्सप्लेन करना, ये होता है ग्राफिन का मतलब। तो अगर हम इसका एक अलग मतलब निकालें, डेमोस प्लस ग्राफिन का मतलब एक साथ जोड़े अगर इसको हम, तो लोगों का वर्णन करना, लोगों का वर्णन करना, लोगों का वर्णन करना क्या कहलाएगा, डेमोग्राफी। और जनसंख्यांकिकी को हम शुद्ध हिंदी में जनांकिकी भी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब पूरा का पूरा इसको परिभाषित करते हैं कि जनसंख्यांकिकी या डेमोग्राफी क्या होती है। तो जनसंख्यांकिकी या डेमोग्राफी
उसे कहते हैं जब किसी देश की जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं, जैसे कि किसी देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, किसी देश में या किसी निश्चित समय पर या किसी विशेष स्थान पर कितने लोगों का अभी फिलहाल में जन्म हुआ है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग शादीशुदा हैं, कितने लोग रोजगार प्राप्त हैं जिनको रोजगार मिला हुआ है, कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोगों ने पलायन किया एक जगह से दूसरे जगह पर, तो कुछ इस तरीके से जब डिफाइन करते हैं कि कितने लोग कितने उम्र के हैं, कितने किस युवा के कितने हैं, कितने विद्यार्थी हैं, इस तरीके से मतलब कि किसी भी देश में हम उसकी जनसंख्या के बारे में जब पढ़ते हैं, जब उसका अध्ययन करते हैं, तो वो हमारी कहलाती है जनसंख्यांकी, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेमोग्राफी। अब ये जनसंख्यांकी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है आकारिक जनसंख्यांकी और दूसरी होती है सामाजिक जनसंख्यांकी। आकारिक जनसंख्यांकी एक इस प्रकार की जनसंख्यांकी मानी जाती है जहां पर जनसंख्या का आकार लगाया जाता है कि किसी देश की जनसंख्यांकी कितनी ज्यादा है और कितनी कम है, आकार में कितनी ज्यादा है और कितनी कम है, उसे हम आकारिक जनसंख्यांकी कहते हैं। इंग्लिश में इसे फॉर्मल डेमोग्राफी कहते हैं, जिसमें आकार का पता लगा जाता है कि ज़्यादा है कि कम है। दूसरी तरह की जनसंख्यांकी होती है सामाजिक जनसंख्यांकी। सामाजिक जनसंख्यांकी में समाज के अनुसार जाना जाता है कि किसी देश की जनसंख्या में लोग किस धर्म के हैं, किन रीति रिवाजों को जानते हैं, कितने वर्गों में बटे हुए हैं, क्या उनकी जाति है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने मतलब कि समाज में जैसे उनका रहना सहना खान पीन इन सब के हिसाब से कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितनों को रोजगार मिला हुआ है, कितने कितने उम्र के हैं, तो ये सब कुछ सामाजिक जनसंख्यांकी में जाना जाता है। अर्थात अगर मैं कहूँ कि जनसंख्या की गणना करना, जनसंख्या के बारे में जानना, ये हमारा कहलाता है जनसंख्यांकी। और जब ओवरऑल रिजल्ट आ जाता है सरकार के पास, जब आ जाता है जो कि सरकार किसी भी देश की, जो उस देश की सरकार है जब वो जनसंख्या की गणना करवाती है, तो उसमें ये पूरा डाटा आ जाता है कि कितने लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने की मृत्यु हो गई, कितनों ने जन्म लिया है, कितने को रोजगार प्राप्त हुआ है, कितने बेरोजगार हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने किस वृद्ध उम्र के हैं या कितने युवा उम्र के हैं, कितने बाल अवस्था के हैं, कितनी महिलाएँ हैं, ये सब कुछ जब उनके पास डाटा आ जाता है तो एक पूरे उस देश की जनसंख्यांकी का डाटा जब पता पड़ जाता है, उसे हम कहते हैं जनसंख्यांकी संरचना। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डेमोग्राफी स्ट्रक्चर। जब हम पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे हम मकान बनाते हैं, उससे पहले हम एक पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसका, तो उसी प्रकार से उस देश की जनसंख्या को इस प्रकार से गणना कर उसका पता लगा कर उसको हम जान लेते हैं कि हमारे देश में इतने लोग इसी तरह के हैं, उसे हम कहते हैं जनसंख्यांकी संरचना। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपनी एनसीईआरटी बुक से जरूर इस चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि मैंने भी आपको ये चीज़ें एनसीईआरटी बुक से। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं कि जनसंख्या का गणना या जनसंख्यांकी की जो इस प्रकार से संरचना बनाना शुरू हुई थी, ये कब हुई थी। तो जनसंख्या की हम थोड़ा इतिहास की तरफ बात करते हैं, तो हुआ ऐसा कि अचानक अंग्रेज़ों को जब उनका तख्ता पलट हो गया था, मतलब कि भारत छोड़कर जा रहे थे, या फिर भारत पूरा एक ब्रिटिश शासन था उनका, क्या वो भारत छोड़ेंगे, तो पूरा उनका ब्रिटिश शासन था। अब जाते जाते कुछ अंग्रेज़ों ने ये तय किया कि पहले हम एक योजना बना लेते हैं कि कितने किस धर्म के हैं और कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, क्या है वो, तो इस तरीके से हम उनको सुविधाएं दे देंगे, बंटवारा कर देंगे, कुछ इस तरीके से उनका एक योजनाएं चल रही थी। क्योंकि सरकार अपनी योजनाएं तभी तो बनाएगी जब उनको पता होगा कि आखिर जनता में किस चीज़ की कमी है, आखिर क्या हमें बदलाव करने हैं और क्या कुछ नया करना है। तो इसके लिए अंग्रेज़ों ने 1790 के दशक में अमेरिका से गणना शुरू हुई थी, और धीरे धीरे पूरे ये पद्धति, ये फॉर्मूला पूरे यूरोप के पूरा फैल चुका था। और उन्होंने, अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने, जो कि भारत की अंग्रेजी सरकार थी उस वक्त की, उन्होंने 19वीं शताब्दी में ये जनगणना करना शुरू कर दिया था, जहां पर 1867 से लेकर 72 के बीच में जनगणना हुई, जहां पर ये पता पड़ा कि इतने लोग मजदूर हैं, इतने लोग शिक्षित हो चुके हैं, या इतने लोगों को हमने ये सुविधा दे दी है, या इनको इस प्रकार की ज़रूरत है। अब सवाल ये था कि आखिर अंग्रेजी सरकार उनको ये जनगणना कर क्या साबित करना चाह रही थी। तो अंग्रेजी सरकार का ये ऐसा मानना था, अगर अकॉर्डिंग टू हम हिस्ट्री बात करें, कि जब वो उनका तख्ता पलट हो गया था अंग्रेज़ों का, तो अभी अंग्रेज़ों का फैसला आना बाकी था कि जो स्वतंत्र भारत होने जाएगा,
और जैसे जैसे भारतीय समाज घुलता जाएगा लोगों में, भारतीय लोगों में, मूल भारतवासियों के दिलों में, जब पूरा उनको लग जाएगा कि हमारा देश आज़ाद होने जा रहा है धीरे धीरे, तो ये चीज़ें किसको मिलेंगी? तो जो जाति के हिसाब से भी जनगणना हुई थी तो कुछ निचली जातियों के लोगों ने उच्च जाति में अपना नाम लिखवा दिया जब अंग्रेजी सरकार की गणना हुई, ताकि जो अंग्रेजी सरकार है वो उच्च जाति को ज़्यादा फायदा दे पाए, ज़्यादा उनके लिए योजना बना पाए। इसी हिसाब से उम्र के हिसाब से, उम्र के हिसाब से जब जनगणना हुई तो लोगों ने अपनी उम्र को कम करवा दिया, कुछ ने अपनी उम्र को बढ़वा दिया कि मेरी इतनी उम्र है। तो अंग्रेजी सरकार पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई थी एक सफल जनगणना को करवाने में, लेकिन शुरुआत यहीं से हो चुकी थी। सर्वप्रथम 1867 से लेकर 72 के बीच में जनगणना होनी शुरू हो गई। जब देखा कि जनगणना करवाना काफ़ी ज़्यादा फायदा है, इससे हमें पता लग जाता है कि हमारे देश में कितनी महिलाएँ हैं, कितने पुरुष हैं और कितने वृद्ध व्यक्ति हैं, कितने युवा हैं, कितने शिक्षित हैं या कितने अशिक्षित हैं, इससे पता पड़ जाता है, तो हम उनको योजनाएँ अच्छे से दे पाएंगे। इसको आधार बनाकर, इस बात को आधार बनाकर 1881 से हर 10 साल बाद 10 वर्षीय जनगणना की जाने लगी। अब 10 वर्षीय जनगणना का मतलब ही होता है कि हर 10 साल बाद जनगणना को करवाना, इसे हम कहते हैं 10 वर्षीय जनगणना, जो कि ये जनगणना अब की जाती है, भारत में भी की जाती है। इससे यही है कि राज्य की जो नीतियाँ होती हैं वो लोगों के समर्पित हो जाती हैं और सरकार उनको दे पाती है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो 1867 से लेकर 1872 के बीच में, या तो आप 1872 लिख दो या 1867, बिल्कुल राइट होगा। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले 10 वर्षीय जनगणना कब स्टार्ट हुई थी, तो आप सीधे सीधे लिखोगे 1881 में, 1881 में 10 वर्षीय जनगणना शुरू हुई थी। तो ये था जनगणना का एक इतिहास इस प्रकार से। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे मेन पॉइंट के बारे में, जो कि है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि एक्सपीरियंस को ग्रेन कर, प्लस ये मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है सोशोलॉजी, साथ के साथ हमने भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तैयारी करी है, तब जाकर हम आपको पढ़ा रहे हैं। और ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर इससे रिगार्डिंग एक वीडियोज़, जो कि पुरानी हो चुकी है, ओल्ड है, वो बना रखी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में झलक जाएगा। साथ के साथ उसी एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ कि माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। जनसंख्यांकिकी जो एक ये टॉपिक है जनसंख्यांकिकी, इस पे सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक है जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, जो कि माल्थस का सिद्धांत है। माल्थस, जिनका पूरा नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, ये एक राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, साथ के साथ एक समाजशास्त्री भी हैं। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत है वो उनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है एसे ऑन पॉपुलेशन, जो कि 1788 में ये छापी गई थी, इसे प्रकाशित हुई थी। और जो ये सिद्धांत है थॉमस का जनसंख्या वृद्धि वाला, ये एक निराशावादी सिद्धांत है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस का ऐसा मानना है कि मनुष्यों की जो जनसंख्या है वो उस दर से अधिक तेजी से बढ़ती है जिस दर से मनुष्य के लिए जो भरण पोषण होता है, जो खान पीने की चीज़ें होती हैं, जो उसका साधन होता है, वो अधिक तेज़ी से नहीं बढ़ पाती हैं। इसी वजह से मनुष्य उन साधनों की कमी की वजह से, खाने पीने की कमी की वजह से, उन साधनों की वजह से अक्सर गरीबी में ही जीता है, अक्सर गरीबी में ही वो मर जाता है, गरीबी में ही रह जाता है, ऐसा मानना है थॉमस रॉबर्ट माल्थस का। चलिए अब बात करते हैं कि थॉमस रॉबर्ट जो माल्थस का जनसंख्या वृद्धि वाला सिद्धांत है वो किस प्रकार से उसको उन्होंने बताया है। तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस का कहना है कि जो जनसंख्या होती है वो गुणोत्तर मल्टीप्लाई रूप से बढ़ती है, जैसे कि 2 का मल्टीप्लाई 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जाती है, जनसंख्या बढ़ती जाती है, लोगों की दर इस प्रकार से बढ़ती जाती है। वहीं अगर हम उत्पादन, जो प्रोडक्ट है, जो चीज़ें हैं खाने पीने की, या जो साधन है, वो किस प्रकार से बढ़ते हैं, वो बढ़ते हैं 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, इस प्रकार से चलते जाते हैं। तो आप देखोगे कि जो लोगों की जनसंख्या है और जो उत्पादन का समांतर रूप है उनमें कितना अंतर आ गया। जहाँ पर दो जो चीज़ें हैं, लोगों की जनसंख्या है, वो 2 से सीधे 4 हो गई, और जो उत्पादन की चीज़ें वो 2 से 4 हो गई। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो वो 4 से 8 हो गई, और वहीं उत्पादन की बात करें तो वो अब 4 से 6 आ गई, मतलब कि 2 चीज़ों का अंतर आ गया। तो ऐसे जितना जितना जनसंख्या बढ़ती जाएगी, उतना ही उत्पादन, उतना ही साधनों की चीज़ों में, खान पीने की, भरण पोषण की चीज़ों में अंतर आता जाएगा। अब जहाँ पर उत्पादन की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, भरण पोषण की चीज़ें,
कपड़े लत्ते हो गए, ये सारी चीज़ें साधन वगैरह जितने भी हैं, अगर ये कम हो जाएंगे तो मनुष्य क्या फिर खाएगा, भुखमरी से मर जाएगा वो तो, ये कहना चाह रही हैं थॉमस रॉबर्ट माल्थस। तो अब थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने कहा कि अगर इस प्रकार से खाने पीने की चीज़ें हुई तो अचानक क्या होगा कि भुखमरी आने लग जाएगी, मनुष्य का जीवन जो होगा वो कम हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा है कि जनसंख्या को किसी प्रकार से रोको। तो रोकने के लिए उन्होंने कहा है, नियंत्रण करने के लिए कहा है, तो इसके लिए भी थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण को रोकने के लिए कई उपाय बनाए हैं। जैसे कि सबसे पहला उपाय है कृत्रिम निरोध वाला, निरोध का मतलब होता है रोकना, कृत्रिम निरोध का मतलब है कि जहाँ पर मनुष्य अपनी स्वेच्छा से जनसंख्या को कम करना चाहता है, कर कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से मनुष्य खुद जनसंख्या को कम कर सकता है। अन्यथा दूसरा तरीका है प्राकृतिक निरोध, प्राकृतिक निरोध में किसी का भी किसी पे अंकुश नहीं होता है, कोई नहीं रोक सकता, प्राकृतिक नेचुरल पॉजिटिव तरीके से, कैसे, जैसे कि किसी क्षेत्र में या किसी समय पर बाढ़ का आ जाना, भूकंप का आ जाना, किसी महामारी का आ जाना, भूकंप जैसे, बाढ़ और चक्रवात, सुनामी, इन महामारी, इन जैसे प्राकृतिक तरीकों से जब वो आते हैं तो इनसे क्या होता है कि किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है वो अचानक ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो लेकिन वो बढ़ती नहीं है। अब देखिए कि अगर किसी क्षेत्र में, किसी स्थान पर या किसी देश में अचानक भूकंप आ गया तो कितने लोग मारे जाएंगे, हो गई जनसंख्या कम, या किसी जगह पर सुनामी आ गया और अचानक बहुत सारे लोग मारे गए तो वहाँ पर उस देश की अचानक जनसंख्या कम हो गई। तो माल्थस ऐसा मानते हैं कि प्राकृतिक और कृत्रिम तरीके से ही जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। प्राकृतिक तरीके से जनसंख्या का अधिक ज़्यादा नष्ट होता है, अधिक ज़्यादा लोग मरते हैं जिससे कि जनसंख्या कम हो जाती है, और अगर जनसंख्या कम हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि लोग अच्छे से जी पाएंगे, ये मानना है थॉमस रॉबर्ट माल्थस का। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर लोगों ने टिप्पणी करी है, उधारवादी और मार्क्सवादी लोगों का मानना है कि नहीं माल्थस गलत कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं माल्थस बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा लोगों के पास सुविधा होगी, जितनी ज़्यादा लोगों के पास सुविधा होगी तभी तो वो जी पाएंगे। तो उधारवादी और माल्थसवादियों में से कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि लोग गरीबी का जो कारण है वो इसलिए है कि लोग आलस करते हैं, लोग कमाना नहीं चाहते हैं, लोग काम चोर हैं, इस वजह से वो साधनों को नहीं पा पाते हैं, इस वजह से उनको साधन कोई हासिल नहीं हो पाता है। आज सभी लोगों के पास अच्छी अच्छी कार हैं, संपन्न लोग हैं, धनवान हैं, और वहीं दूसरी लोग जो कि काम से जी चुराते हैं, काम चोर हैं, काम नहीं करते हैं, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को घर बैठे कैसे सुविधा मिल पाएगी, ये लोग इसी वजह से गरीब हैं। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि नहीं, जो मार्क्सवादी लोग हैं उनका मानना है कि नहीं, अमीर लोग अमीर ही रहना चाहते हैं और गरीब लोग और गरीब रहना चाहते हैं, या अमीर लोग जो हैं वो गरीबों पर अत्याचार करते हैं, अमीर लोग गरीबों का भी साधन झपट लेते हैं, इस वजह से गरीब लोग गरीबी रह जाते हैं। तो ये मानना है उदारवादी और मार्क्सवादियों का माल्थस के सिद्धांत के प्रति। स्टूडेंट्स बात करते हैं जनसंख्यांकीय संक्रमण का सिद्धांत। तो जनसंख्यांकीय संक्रमण का सिद्धांत है कि अचानक किसी देश में या किसी स्थान पर या किसी क्षेत्र में जनसंख्या का अचानक बढ़ जाना या अचानक कम हो जाना, ये कहलाता है जनसंख्यांकीय संक्रमण का सिद्धांत। इसे जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है सामान्य संकल्पनाएँ एवं संकेतक, जिसमें से पहला पॉइंट है जन्म दर। तो जन्म दर किसी एक विशेष क्षेत्र में किसी निश्चित अवधि के दौरान प्रति हजार शिशुओं में से जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को कहते हैं जन्म दर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जन्म दर का सीधा सीधा मतलब है कि जन्म दर ये दिखाती है कि किसी देश में या किसी क्षेत्र में या किसी राज्य में प्रति हजार शिशुओं में से एक निश्चित अवधि के दौरान कितने शिशुओं ने, कितने बच्चों ने जन्म लिया है, कितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया है, ये कहलाती है जन्म दर। अगला है मृत्यु दर। तो मृत्यु दर भी बिल्कुल इसी के विपरीत है, किसी एक विशेष क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान प्रति हजार शिशुओं में से मृत शिशुओं की संख्या को कहते हैं मृत्यु दर। इसे हम कहते हैं मृत्यु दर। चलिए अगला पॉइंट है प्राकृतिक वृद्धि दर, या इसे हम जनसंख्या समवृद्धि दर भी कहते हैं। सम का मतलब क्या होता है, बराबर। अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जब शून्य हो जाता है, या इसे हम कहते हैं नगण्य, बिल्कुल ही कम हो जाता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थिर हो गई है, मतलब कि रुक गई है।
मतलब प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गई है। प्रतिस्थापन स्तर एक ऐसी अवस्था होती है जब जितने जो बूढ़े लोग होते हैं, कोई भी व्यक्ति जब मर जाता है तो उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी देश में जितने मरे थे उतने पैदा हो गए, मतलब कि वहीं के वहीं जनसंख्या है, ना तो बड़ी ना ज़्यादा कम हुई, जितनी थी उतनी के उतने रह गई, सब मतलब कि बराबर रह गई। इसको हम कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या समवृद्धि दर। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला है प्रजनन दर। प्रजनन दर का मतलब होता है बच्चे पैदा कर सकने की आयु। किसी विशेष क्षेत्र में या किसी निश्चित अवधि के दौरान जो प्रति हजार स्त्रियों में से बच्चा पैदा कर सकने की आयु जो होती है महिलाओं की, जो कि 15 से 49 वर्ष की होती है, वो कितनी हजारों में से कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो बच्चे पैदा कर सकने हैं, तो उन महिलाओं की संख्याओं को हम कहते हैं प्रजनन दर, बच्चे पैदा कर सकने की आयु वाली जो महिलाएं हैं उनकी संख्या को। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले पे हम चलते हैं जो कि है शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर तो मैंने आपको बता दिया, अगला है मातृ मृत्यु दर। तो किसी निश्चित अवधि के दौरान प्रति हजार महिलाओं में से ऐसी स्त्रियों की संख्या जो शिशु को जन्म देते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई हों, ऐसी स्त्रियों की। अगला है आयु संभाविता। आयु संभाविता का मतलब होता है कि एक समाज में या एक जीवन इस धरती पर कोई व्यक्ति औसत तरीके से एवरेज कितने जी सकता है, कितनी उसकी आयु है, कितना वो जी सकता है, उसे हम कहते हैं आयु संभाविता। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स अगला पॉइंट है जनसंख्या की आयु संरचना। अब देखिए अभी हमने पढ़ा था आयु संभाविता, संभाविता मतलब कितने जीने की संभाविता है, बट अभी ये है कि आयु संरचना कि किसी देश में किसी समाज में किसी क्षेत्र में जो जनसंख्या है उसमें कितने आयु के लोग आपस में बटे हुए हैं, जैसे कि कुछ वृद्ध लोग होंगे, बूढ़े लोग होंगे, कुछ युवा लोग होंगे, कुछ अधेड़ उम्र के होंगे, कुछ युवा बच्चे, तो इस उम्र के जो लोग बटे होते हैं जैसे बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, ये जो अवस्थाएं होती हैं इनका जो बंटवारा होता है यही जनसंख्या की आयु संरचना कहलाती है। स्टूडेंट्स बात करते हैं अगले पॉइंट की जो है पराश्रितता अनुपात। पराश्रितता का मतलब होता है ऐसे लोग जो दूसरों पर आश्रित रहते हों, उन्हें कहते हैं पराश्रितता। तो पराश्रितता अनुपात जनसंख्या में एक ऐसा साधन है जहाँ पर पता पड़ता है कि ऐसे बुजुर्ग लोग, ऐसे बच्चे लोग और ऐसे महिलाएं जो कार्यशील लोगों पर आश्रित हैं, ऐसी संख्या को, ऐसे दर को हम कहते हैं पराश्रितता अनुपात। अब देखिए मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि हमारे घर में हमारे पापा या बड़े भाई या जो भी हैं वो कमा के लेके आते हैं, हम उन्हीं पर आश्रित रहते हैं। अब जो हमारे दादा हैं दादी हैं तो ये बूढ़े लोग हैं, ये अब कमाने थोड़े जाएंगे, इनकी तो उम्र हो रखी है। तो अगर जो हमारे पापा वगैरह कमा के लेके आ रहे हैं उन्हीं की तनख्वाह पर तो हम लोग आश्रित हैं, हम बच्चे लोग आश्रित हैं। अगर वो कमा के नहीं लेके आएंगे तो हम क्या खाएंगे? तो समाज में या किसी क्षेत्र पर देखा जाता है कि कितने लोग काम करने वाले हैं, कितने लोग कमा कर लेकर आ रहे हैं। ऐसे कमाने वाले लोगों पर, ऐसे लोग जो आश्रित रहते हैं, आश्रित रहने वाले लोगों की संख्या को हम कहते हैं पराश्रितता अनुपात। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और जो कार्यशील लोग होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी उम्र होती है 15 से 64 वर्ष की, क्योंकि तकरीबन 60 या 61 62 की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है। तो 15 से लेकर 64 वर्ष की आयु में लोग काम करते हैं, और इससे जो कम उम्र के होते हैं, 15 से कम उम्र के जो लोग होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो काम नहीं कर सकते। वहीं 64 या 60 साल की उम्र के बाद लोग काम नहीं करते हैं। तकरीबन जो अधिक से अधिक उम्र है 64 वर्ष, 64 के बाद लोगों का काम करना बंद करवा दिया जाता है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे पराश्रितता अनुपात क्या होता है। स्टूडेंट्स अगला जो पॉइंट है वो है जनसंख्यांकी लाभांश। जनसंख्यांकी लाभांश का मतलब होता है कि जो किसी देश की या किसी क्षेत्र की या किसी स्थान की जनसंख्या है उसको क्या लाभांश हुआ, क्या उसको फ़ायदा हुआ। तो किसी भी क्षेत्र या स्थान की जो जनसंख्या है उसको तभी लाभांश हो सकता है जहाँ पर आयु संभाविता अच्छी हो, जहाँ पर पराश्रितता अनुपात में कमी आए, तो वहाँ से लोगों को जनसंख्या की लाभांश मिलता है। जैसे कि पराश्रितता अनुपात अभी अभी हमने जाना, जहाँ पर महिलाएं, बच्चे और वृद्ध लोग कार्यशील लोगों पर आश्रित रहते हैं। तो सोचिए अगर किसी देश में अगर बुजुर्ग लोग भी पैसे कमाएं तो वो दूसरों पर आश्रित नहीं रहेंगे, बच्चे लोग भी अगर थोड़ा बहुत काम करें और महिलाएं भी अगर पुरुषों के बराबर बढ़ चढ़ कर काम करें तो उस देश को कितना फ़ायदा होगा। जहां पर पुरुष टैक्स दे रहे थे अब महिलाएं भी टैक्स देंगी, महिलाएं अत्याचार नहीं सहेंगी, महिलाएं भी अब काम कर सकती हैं, पैसे कमा सकती हैं, ऑफिस खोल सकती हैं, ऑफिस में जा सकती हैं। तो एक जनसंख्या को लाभांश मिल गया,
वहीं आयु संभाविता, जहाँ पर किसी देश में व्यक्ति 60-60 साल में मर जाते हैं, 70-70 साल में मर जाते हैं, अच्छी चिकित्सा सुविधा अगर मिल जाए उस देश को, अच्छी औषधियाँ मिल जाएँ, अच्छी चिकित्सा प्रणाली अगर हो जाए उस देश की, तो लोग 100-100 साल तक जिएंगे। मतलब कि इस तरीके से जनसंख्या को क्या मिल जाएगा, एक लाभ मिल जाएगा, उसे कहते हैं जनसंख्या की लाभांश। उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी समझ में आपको आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं भारत की जनसंख्या का आकार और समृद्धि। तो हम सभी जानते हैं कि जो भारत है हमारा, वो विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है जनसंख्या में, और सबसे जो नंबर वन पे वो है चीन, दूसरे पे आता है हमारा भारत। सन 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की कुल जनसंख्या थी वो थी 121 करोड़, यानी कि 1.21 अरब, ये हमारे भारत की जनसंख्या थी। और हर 10 साल बाद होती है, 2011 में भारत की जनगणना हुई थी, अब कब होगी, अब होगी 2021 में, जो कि अब चल रहा है, 2021 में भारत की जनगणना होगी, वहाँ से पता पड़ जाएगा। तो ये भी आपके एक एमसीक्यू में पूछा जाता है कि 2011 में भारत की कुल कितनी जनसंख्या थी, तो आपको लिखना है 121 करोड़, अगर अरब में पूछे तो 1.21 अरब। अब यहाँ पर आकार की बात लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो भारत की पिछले सालों में दौरान 1960, 1970 या फिर 1980, 90 के दशक की बात करें, तो हम बात देखेंगे वहाँ पर कि भारत जब उस टाइम बहुत ज़्यादा पिछला हुआ था, इतनी सुविधाएं नहीं थी, जबकि बीमारियां बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां हो गई, फ्लू जैसी बीमारियां, चेतक जैसी बीमारियां सामने इन्होंने, और ब्रिटिश राज के अत्याचार जैसे सहे हैं, तो ऐसे में जनसंख्या खुश कैसे रह सकती है, जहां पर महामारियों से जनसंख्या मर रही है और अत्याचारों से जनसंख्या मर रही है, तो इस देश की जनसंख्या कैसे अच्छी खासी रह सकती है। तो उस दौरान हम देख सकते हैं कि जनसंख्या में काफ़ी अंतर फेर आया था, काफ़ी जनसंख्या जो थी वो कई महामारियों के मुंह में चले गई और कई अत्याचारों से मर गई, तो कई भुखमरी से और कई अन्य जो कि सुविधाएं नहीं थी उस वजह से मृत्यु के मुँह को प्राप्त हो गई थी जो जनसंख्या है। तो हम आकार की अगर बात करें तो उस समय आकार में भारत की जो जनसंख्या थी वो इतनी बड़ी नहीं थी जितनी कि कुछ आए दिनों में जनसंख्या बढ़ी है। जैसे कि 2000 अगर हम 10 या 2010 या 11 से बात करें, या 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 के दौरान हम देखेंगे, तो अच्छी खासा भारत जो है एक विकासशील देश है, भारत में सुविधाएं आए दिन अच्छी होती जा रही हैं, भारत में आए दिन सुविधा अच्छी होती जा रही है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, कमाने के तरीके से हो, या फिर वो चिकित्सा के तरीके से हो। हम देखते हैं कि आज अगर किसी को कोई परेशानी रहती है तो 2400 घंटे हॉस्पिटल अवेलेबल हैं, तो इस तरीके से भारत की जनसंख्या एक वृद्धि हुई है। लेकिन आए कुछ दिनों में हमने एक और चीज़ देखी है, कोरोना महामारी, कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी थी 2019 में। अब 2019 में जब कोरोना महामारी आ गई तो उससे जनसंख्या का कितना घटी है, जनसंख्या कितनी मरी है, ख़त्म हुई है, लोगों की कितनी मृत्यु हुई है, तो उस बीच हम कह सकते हैं कि जनसंख्या का आकार फिर से कम हो गया। तो ये जो महामारियों से जनसंख्या कम हुई है, और आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसे कुछ आंकड़े दे रखे हैं जनसंख्या के जो कि कम हुई है और बढ़ी भी है, तो इस प्रकार की जैसे इन्फ्लुएंजा महामारी है, स्पेनिश फ्लू है, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है ऐसी बीमारियों से जो कि हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो इन महामारियों को दो तरीके से बांट दिया है, एक पैंडेमिक और एक एपिडेमिक। पैंडेमिक जो महामारी होती है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैंडेमिक महामारी एक बहुत बड़े भूभाग क्षेत्र को प्रभावित करती है, एक बहुत बड़े भूभाग क्षेत्र को प्रभावित करने वाली महामारी को पैंडेमिक का नाम दिया जाता है, और एपिडेमिक एक सीमित एक छोटे भूभाग को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। अब पैंडेमिक अगर हम बात करें तो कोरोना एक पैंडेमिक है। पैंडेमिक मैंने आपको बताई दिया एक बहुत बड़े भूभाग को। कोरोना ने भारत जैसे अन्य देशों, अमेरिका और अन्य पता नहीं कितने बड़े बड़े देशों को भी प्रभावित किया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक छोटे से कोने में रहकर ही कोरोना ने लोगों को प्रभावित किया है। हम ये देखते हैं कि पूरे संपूर्ण भारत को कोरोना ने प्रभावित किया है, और अन्य देश विदेशों को भी प्रभावित किया है, हर कोने कोने में कोरोना महामारी ने प्रभावित किया है, तो बहुत बड़े भूभाग पर कोरोना महामारी ने तांडव किया है। तो कोरोना महामारी एक किस प्रकार की महामारी है, पैंडेमिक महामारी है। एपिडेमिक महामारी अगर हम देखें तो जैसे कि बुखार या फ्लू आ जाना, या फिर चेतक जैसे जो कि छोटे छोटे राज्यों में या अन्य राज्यों में जो कि फैली हो, इस प्रकार की जो महामारी होती है इसे हम कहते हैं एपिडेमिक महामारी। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो भारत की जनसंख्या है उसको नियंत्रण करने के लिए या उस पर थोड़ा हम देखें तो क्या कुछ किया गया है, भारत की जनसंख्या के ऊपर ही बात चल रही है, तो अगर हम देखें तो भारत की जनसंख्या को
नियंत्रण करने के लिए या भारत की जनसंख्या को एक उचित मार्ग दिखाने के लिए आई सरकार ने, जो आए दिन सरकार हम देख रहे हैं, जैसे कि उस समय किसकी जनसंख्या में किसकी सरकार होगी और अब किसकी सरकार होगी, तो अब बात करें तो सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, तो हम देखेंगे कि सरकार ने नियंत्रण करने के लिए कुछ कदम उठाए, जैसे कि हम दो, हमारे दो, छोटा परिवार, सुखी परिवार, ऐसे नियोजन किए हैं। साथ के साथ हम देखेंगे कि नसबंदी भी करवाई है लोगों की, ये भी हमने सुना है। तो ये जो काम करवाए हैं ये सभी क्या करवाए हैं, जनसंख्या को नियंत्रण करवाने के लिए ही भारत देश में जनसंख्या के प्रति ये कदम उठाए गए हैं, जहाँ पर जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए पुरुषों के साथ नसबंदी करवाई गई है। भारत में गिरता हुआ स्त्री अनुपात, भारत में गिरता हुआ स्त्री अनुपात, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कि भारत देश में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले क्यों कम है, तो हम सब देखते हैं कि आज भारत जैसे जो कि एक उस समय एक रूढ़िवादी सोच रखता था, एक पुरानी सोच रखता था कि महिलाएं किस काम की होंगी, महिलाएं आखिर बच्चे पैदा ही तो कर सकती हैं और क्या कर सकती हैं। ये भारत जैसे कुछ लोग जो कि रूढ़िवादी सोचते, ये किताबों में साफ लिखा गया है, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए थे, महिलाओं को पैरों के नीचे कुचला जाता था, महिलाओं को स्वतंत्र वो अधिकार नहीं मिले हैं, और अगर हम बात करें तो महिलाओं को ये कहा जाता था कि महिलाओं की इतनी उम्र नहीं है कि वो जी सकें पुरुषों के मुकाबले, तो महिलाओं को उस समय दबा कुचलाया जाता था, भ्रूण हत्या की जाती थी। अगर किसी व्यक्ति को पता पड़ गया कि किसी गर्भ महिला के पेट में एक लड़की पैदा है, तो वो वहीं के वहीं उसको चलिए स्टूडेंट्स अगली जो हम बात करते हैं वो है साक्षरता। साक्षरता का मतलब है लिटरेसी, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो अगर हम बात करें कि साक्षरता आखिर होती क्या है, तो जनसंख्या के अनुसार किसी देश, विदेश, क्षेत्र, स्थान पर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अपना भला बुरा जानते हैं, कितने लोग हस्ताक्षर कर लेते हैं, कितने लोग दस्तावेजों को बाँच लेते हैं, पढ़ लेते हैं उनको, तो इस प्रकार से उस देश में इस आधार पर लोगों को साक्षरता दर में रखा जाता है, पढ़े लिखे लोगों के दर में रखा जाता है, जो लोग अपना हस्ताक्षर खुद कर लेते हैं और दस्तावेजों को बाँच लेते हैं, जो सरकार की योजनाएं होती हैं उनको समझ लेते हैं, उनके पक्ष विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों को साक्षरता दर में रखा जाता है। ज़्यादातर जो इसका आधार माना जाता है वो माना जाता है कि कितने ज़्यादा लोग हस्ताक्षर कर लेते हैं, सिग्नेचर कर लेते हैं, उस हिसाब से साक्षरता दर में रखा जाता है। हालांकि इसके आधार बदलते रहते हैं। लोगों में, पुरुष में अगर हम बात करें तो पुरुषों में जनसंख्या को कम करने के लिए जो शल्य पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है उसे नसबंदी कहते हैं, वहीं महिलाओं में जो जनसंख्या को बच्चा ना हो सके उसके लिए जो शल्य पद्धति का काम किया जाता है उसे नालिकाबंदी कहते हैं, और स्त्री पुरुष को जनसंख्या को कम करने के लिए, उनको रोकने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसे बध्यकरण कहते हैं, बध्यकरण, जिससे कि ये कहा जाता है कि आप दोनों बच्चे पैदा नहीं करोगे, उसे कहा जाता है बध्यकरण। तो दोस्त तकरीबन यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप अपनी जो NCERT बुक अगर खोलोगे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैंने ज़्यादा इसको लॉन्ग नहीं किया है, हालांकि इसको और अच्छे से मैं आपको समझा सकता था, बट उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। जो इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको क्लियर करवा ही दिए हैं, बाकी का अगर कुछ बच जाता है तो आप अपनी NCERT बुक से इसको एक बार जरूर पढ़ लें। अगर इसके बावजूद अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, और बाकी आप इसको आप ओवरऑल अपनी बुक से पढ़ लेना। तो यहां तक थी वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मुझे दीजिए विदाई अभी के लिए, धन्यवाद।